19 अक्टूबर तो पंजाब के सारे स्कूलों में 9वीं तो लैके 12वीं तक दियां क्लासां नूं पढ़ाउण लई सरकार द्वारा कुछ हदायतां जारी करदे होए स्कूल खोलण की इजाजत दी गई सी, पर करीब 7 महीने बाद भावें ही स्कूल खुल चुके ने, लेकिन यह देखण दे विच आया है कि 4 दिन के बाद भी स्कूलों के बच्चों के आने का रुझान बहुत घट है, जिहदे करके अलग अलग कारण दसे जा रहे हैं। जिवें कि एक कारण यह है कि अज तक बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग कोरोना को लेकर डर बैठा हुआ है। दूसरा कारण यह है कि 7 महीने स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों के स्कूल प्रति आलस आ चुका है और बच्चे घर में ही ऑनलाइन क्लास लगाना पसंद कर रहे हैं। इस सब के कारण स्कूलों के बच्चों की गिनती काफ़ी घट है, जिसके चलते स्कूल के अध्यापकों पर वाधू बोझ आ गया, क्योंकि भावें ही बच्चे घट हो लेकिन स्कूल पहुंचे बच्चों को पूरा समा देना पै रहा है। उथे घर बैठे बच्चों ऑनलाइन क्लास भी देनी पै रही है। इस संबंध में एक स्कूल के प्रिंसीपल ने दसिया कि 9वीं तो लैके 12वीं तक स्कूल दे विच उन्हां दे कोल करीब 350 बच्चे ने, लेकिन पहले दिन 42 बच्चे ही स्कूल विच पहुंचे अते हुण उन्हां दी गिनती भी घट के 20 दे करीब रह गई है। देखो, ये हदायत देन तो पहला बच्चों मानसिक तौर पर पहला तैयार करना सी, जिहड़ी उन्हां दी स्वै इच्छा है। हाँ जी, ये मुताबक जिहड़ा बच्चा हैगा वह स्कूल विच नहीं पहुँच रहा गा, जदों बच्चा तंदुरुस्त है बच्चे नूं जिहड़े हैगे मापिआं नूं साथ देना चाहिए हैगा भी तंदुरुस्त बच्चा लाजमी तौर पर स्कूल पहुँचे। जिहड़ा बच्चा बीमार हैगा उहदा सानूं कोई मैडिकल देन भी ये बच्चा साडा वाकई बीमार हैगा तो असीं स्कूल वाले भी उहनूं कंपैल नहीं करनगे। हाँ जी, हुण जिहड़ा सानूं सरकार ने यह अधिकार नहीं दिता बई तुसी बच्चे नूं मजबूर नहीं करना। हाँ जी, इस करके बच्चा जिहड़ा हैगा हो सकदा माँ बाप उहनां नूं सहमति दिंदे होण स्कूल आउण दी, ते पर बच्चा किते इधर उधर ही तुरी फिरदा रहिंदा होवे, जिस तरह अज देखण विच आया हैगा भी मापिआं दी दो लड़कियां पहले दिन आईआं साडे कोले, उहनां दी पेरेंट्स दी सहमति सीगी नाल, पर अज उह जिहड़ियां लड़कियां हैगियां उह गैर हाजिर हो गईआं। हुण असीं उहनां नूं यह जिहड़ा हैगा जोर दे के पुछण तो असीं भी झिझक रहे हैं, जदों सरकार ने यह नियम ही बनाता भी तुसीं बच्चे नूं कंपैल नहीं करना हैगा। इस करके पहला बच्चों नूं मतलब कि यही चाहिए सीगा लाजमी तौर पर स्कूल आना चाहिए सी, जिहड़े बच्चे तंदुरुस्त सी। आपां नूं पता हैगा भी बच्चों के जिहड़े कंसैप्ट है, चाहे असीं ऑनलाइन पूरी कोशिश कर रहे हैगे आ बच्चे नूं समझाउण दी, पर जिन्नी देर बच्चा स्कूल नहीं आऊगा उहनूं कंसैप्ट पढ़ाई दा नहीं क्लीयर होऊगा, वह आपदे आने वाले इम्तिहान च पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता गा, क्योंकि जदों उन्हें उचेरी विद्या लई जाना हैगा विद्यार्थी ने हर एक लाइन दे विच जिहड़ा हैगा एंट्रेंस टेस्ट हैगा, जिन्नी देर उहनूं कंसैप्ट क्लीयर नहीं हैगे वह बच्चा जिहड़ा उहदे विच मतलब के चंगे अंक प्राप्त नहीं कर सकता गा हैगा। साड़ी यही मतलब के सरकार नूं अर्ज हैगी है भी यह मतलब के स्कूल आ जिहड़े ओह लाजमी करन जिहड़े तंदुरुस्त बच्चे हैगे आ। उत्थे बच्चों के पेरेंट्स ने भी यही कहा कि बच्चे घर विच रह के ऑनलाइन पढ़ाई विच अपना वधिया परफॉर्मेंस नहीं दे सकते अते स्कूल विच रह के बच्चे अपनी पढ़ाई नूं वधिया तरीके नाल कर सकते ने अते दिमागी तौर ते अते शरीरिक तौर ते भी वधिया उहनां दा विकास हो सकता है, जदों कि घर विच रह के बच्चे आलसी हो रहे ने अते स्कूल प्रति उहनां दा प्यार भी घट हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि स्कूल दे विच जा के उह अपनी पढ़ाई करन। वेखो जी, गल इह है भी 7 महीने बाद स्कूल लगे है, जिन्हां विचों मोस्टली बच्चे यही चाहते हैं भी स्कूल जाना चाहिए, पर स्कूलों के हालात तो जाके साढ़े खुद बच्चे जो स्कूल जाते हैं उत्थे बच्चे आ के ये दसते भी साढ़े क्लास सिर्फ 40 विचों 2 बच्चे आए हैं, दूजा बच्चा दसदा साढ़े क्लास 40 विचों 1 बच्चा आया। इस तरह यह लगता है भी स्कूलों के गिनती बहुत घट है। ये माँ प्यो भी चाहिए भी अपने बच्चे का ध्यान करन, स्कूल भेजन जरूरी है, क्योंकि 7 महीने बहुत वड्डा पीरियड हुंदा है, आने वाले टाइम बच्चे बच्चों को नुकसान होएगा। मार्च में पेपर होंगे या 4 महीने पढ़ाई नहीं हो सकती, ऑनलाइन पढ़ाई का भी बच्चों को कोई ज़्यादा असर नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई सिर्फ स्कूल जाके ही हो सकती है तो बच्चों की डिवेलपमेंट भी स्कूल जाके हो सकती है। बच्चे जी इस कारण जी बच्चे काफ़ी समय तो लंबे टाइम तो स्कूल नहीं गए तो उस कारण बच्चों का स्कूल जाने जीव नहीं करता गा। जे बच्चे स्कूल जाते कुछ बच्चे स्कूल आते ज़्यादातर बच्चे स्कूल के नहीं आते तो पेरेंट्स भी चाहिए भी टोटल सारे बच्चों ही स्कूल भेजन
ते सही प्रोपर तरीके नाल स्कूल लगन तां जो बच्चों की चंगी एजुकेशन बच्चे मिल सके। उत्थे स्कूल जाण वाले बच्चों का भी कहना है कि अज ऑनलाइन क्लासा दे विच बच्चे या तो मोबाइल विच कोई ना कोई गेम खेड रहे होंदे ने या फिर आराम नाल बैठ के खा पी रहे होंदे ने अते पढ़ाई सिर्फ नाम दी ही हुंदी है। अते अगर वो स्कूल जाते ने तो अपने अध्यापकां नाल सीधे अपने डाउट क्लीयर कर सकते ने जो ऑनलाइन पढ़ाई दे विच नहीं हो रहे। बच्चे अज भी असीं स्कूल गए सी ते बच्चे बहुत घट गिनती जा रहे ने जिथे क्लास च 50 का जवाक ने अज 30 तो भी घट बच्चे गिनती च सी जो कि बहुत ही गलत गल है। बच्चे आलसी होंदे जा रहे ने, बच्चे 6-7 महीने तो घर च ही बैठे ने, बैड ते बह के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे ने जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हुण वेखना होगा कि सरकार इस ते कोई एक्शन लैंदी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।